बाहर चोरनी मारे सिया हाजिर है, हुक्म दे शैतानी जादूगर। ए माहिर सिया माहिर चोरनी दोसीजा, तुझे जजीराए कागान के शहजादे आफाक के गले से वो तिलस्मी हार चुराना है जो वो हर वक्त पहने रहता है। आज दुनिया में कोई भी इंसान अपने मतलब अपने फायदे के बिना कोई किसी का काम नहीं करता। फिर अगर मैं अपने जादू करने की कीमत मांगता हूं तो क्या बुरा करता हूं? वो कीमत तो हमने भी तुम्हें दी है जादूगर। ये याद रखना कि मेरा नाम कत्ताल है, डाकू कत्ताल। मैं डाके के साथ खत्म भी करता हूं, और तू जानता है कि मैं कितना जालिम और बेरहम हूं। नौजवान है शहजादा आफाक, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ख्वाब हकीकत बनकर सो रहा हो। फिरोजा बड़ी खुशकिस्मत है कि उसे आफाक जैसा हसीन शहजादा मोहब्बत करता है। अरे ये क्या कर रही हूँ मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आई हूँ, मोहब्बत कर रही हूँ। इस नौजवान के हुस्न को देखकर मैं अपने काम को भूल गई हूँ। नहीं, पहले मैं हार चुराऊंगी, नागन बनकर उसके जिस्म से लिपटूंगी और उसके गले में पड़ा हुआ हार निकाल लूंगी और नकली हार उसे पहना दूंगी। मारे सियाह माहे चोरनी, तेरी ये चोरी तो तिलस्मी चोरियों की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएंगी। शाबाश। शुक्रिया, वो शैतान के काम की तारीफ का शुक्रिया। ए शैतानी जादूगर, अब जल्दी मुझे फिरोजा के आशिक डाकू कत्ताल के पास ले चल और ये तिलस्मी हार उसे दे दे। ना? ऐसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा ऐसे।
ये अनमोल अजीब तिलस्मी हार इतनी जल्दी उस डाकू को दे दिया तो उसकी नजरों में इसकी अहमियत और कीमत कम हो जाएगी। तो फिर कैसे दोगे? तड़पा तड़पा कर, तड़पा तड़पा कर। जब तड़प तड़प कर आशिक मौत के करीब हो तो उसे उसकी महबूबा की शक्ल दिखा देनी चाहिए। तो वो शक्ल दिखाने वाले का और अपनी महबूबा का एहसान मानता है। उसकी तड़प से और इंतजार से मेरे इनाम की कीमत और बढ़ जाएगी। और मेरा इनाम? कैसा इनाम? बस काम होते ही भूल गया। तो शैतानी जादूगर से मुझे यही उम्मीद थी, वादा भी याद नहीं। याद आया, याद आया। ला पहले हार दे दे। देती हूँ, पहले वादे की बात कर फिर हार दूंगी। तूने मुझसे जो वादा किया था कि अपने जादू की ताकत से तू मेरी शादी करा देगा, उस वादे का क्या हुआ? अच्छा बता, तूने किसको दिल दिया या किसने तेरा दिल लिया? कौन है वो जिससे मैं तेरी शादी कराऊं? शहजादे आफाक से। शहजादा आफाक से? हाँ मेरे शैतानी जादूगर, मैं उस पर आशिक हो गई हूँ। तूने मुझसे वादा किया था कि मैं जिससे कहूंगी तू मेरी शादी उसी से करा देगा। अरे बेवकूफ लड़की मारे सिया, क्या पागल हो गई है तू? अपनी औकात तो देख। मोहब्बत में औकात नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? तू सीजा चोरनी, तू पहाड़ों की दरारों में रहने वाली एक मामूली तिलस्मी नागन और वो महलों में रहने वाला शहजादा जिसके गले का हार चुराने गई थी, उसी के गले का हार बनने का ख्वाब देखने लगी तू। एक सोए हुए नौजवान पर जबरदस्ती आशिक होते हुए तूने ये भी नहीं सोचा कि तू सिर्फ एक तिलस्मी नागन है। नागन भी तो औरत होती है, उसका दिल भी तो किसी पर आ सकता है। शैतान के बंदे जादूगर, जवाब दे, उसे किसी पर आशिक होने का हक नहीं? जब जमीन पर रहने वाला आसमान पर उड़ती हुई परी से मोहब्बत करता है तो मैं तो जमीन के नीचे रहती हूँ और जमीन के ऊपर रहने वाले इंसान से प्यार भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, यह नामुमकिन है। तू अपने जादू से मुमकिन बना दे, जैसे कोहिस्तानी किले की मलिका है, वो भी तो मेरी तरह एक तिलिस्मी नागिन है, लेकिन इंसान की शक्ल और जिस्म में रहती है। आज तक उसके शौहर बादशाह को भी मालूम नहीं उसकी मलिका बीवी इंसान नहीं तिलस्मी नागन है। इसी तरह तू अपने जादू से शहजादा आफाक के दिल, दिमाग और सांसों में मेरा ख्याल, मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। फिर मैं भी एक अच्छी वफादार और शौहर की खिदमत करने वाली बीवी बनकर जिंदगी भर इंसानों की तरह आफाक के साथ रहूंगी, ये मेरी तमन्ना है। तेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। आज तक फिरोजा की तमन्ना भी पूरी नहीं हुई। शहजादा आफाक की किस्मत आग है तो फिरोजा की किस्मत बारूद। आग और बारूद जब भी एक होंगे, जलकर राख हो जाएंगे और दूसरों को भी जलाकर राख कर देंगे। इसीलिए तो आफाक और फिरोजा के मां बाप आफाक और फिरोजा की शादी के खिलाफ हैं। यह सब किस्मत का खेल है। जिस लड़की के किस्मत के सितारे आफाक के किस्मत के सितारों से मिलते हैं, वो लड़की आफाक को देखते ही उसकी हो जाती है। जैसे तू, तू आफाक को देखते ही उसकी हो गई थी, इसी तरह उसकी किस्मत में और भी अच्छी बुरी औरतें लिखी हुई हैं। बहुत औरतें हैं आफाक की जिंदगी में। हाँ, और शादियां भी बहुत हैं। शादी के बाद मौत दुल्हन बनकर आफाक के सामने आ जाएगी, लेकिन मैं मौत से भी ज्यादा चालाक हूं।
उधर आफाक को फिरोजा हासिल करने के लिए शैतानी तदबीर बता दी और इधर डाकू कत्ताल को फिरोजा को हासिल करने के लिए यह तरीका बता दिया कि वो आफाक को मार दे तो उसे फिरोजा मिल जाएगी और तुझे दौलत मिल जाएगी। हाँ, तू तो दो मुंह वाला सांप है। हम जहरीले सांपों से भी ज्यादा तू ज्यादा जहरीला खतरनाक इंसान है। तू अपने जरा से फायदे के लिए तू किसी को भी बेच सकता है, खरीद सकता है, दगा दे सकता है और उसे मार सकता है। मैं इंसानियत का कारोबार करने वाला मौत का सौदागर हूँ। मैं दौलत के लिए डाकू कत्ताल को मरवा सकता हूँ और डाकू कत्ताल से आफाक को भी मरवा दूंगा। मैं आफाक को मारने नहीं दूंगी। तू ये सब जुल्म, कत्ल और खून दौलत के लिए कर रहा है ना? मैं एक मुंह, एक जबान की वो जहरीली नागन हूँ कि तेरी सारी दौलत पर कुंडली मारकर बैठ जाऊंगी। और जब तू अपनी दौलत को हाथ लगाएगा तो मैं तुझे डस लूंगी, काट लूंगी, अपने इंतकाम के जहर से तुझे मार डालूंगी। माहिर चोरनी, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। ला, 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 यह हार मुझे दे दे। नहीं, मरने से पहले यह हार मुझे दे दे। दे दे मारे सियाह चोरनी, यह हार तेरे किसी काम का नहीं है। ला 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 ना। नहीं ला ला नहीं। दे दे ना। बेवकूफ शैतान के बेवकूफ जादूगर, मैं सब इंतजाम करके आई हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरे वतन से 1,00,000 आदमखोर तिलिस्मी सांप यहाँ आएंगे। वो 1,00,000 आदमखोर तिलिस्मी जहरीले सांप तुम सब से लिपट जाएंगे। वो 1,00,000 आदमखोर सांप तुझे, तेरे शैतानी सरकटे खबीस को और डाकू कत्ताल को, उसके साथियों को डसेंगे, काटेंगे, तुम जालिम गुनहगारों के जिस्म को नोच नोच के खाएंगे और हड्डियां तक चबा जाएंगे, क्योंकि वो आदमखोर तिलिस्मी सांप है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं 1,00,000 तिलिस्मी सांपों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे आजाद भी नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो? शैतानी जादूगर, मुझे कैद लगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना पछताएगा। मुझे कैद लगा, छोड़ दे मुझे। मेरा हार मुझे वापस दे दे जादूगर। अब ये तिलस्मी हार हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा और बारे सियाह चोरनी, तू मेरी कैद में रहेगी। तू देखेगी सब कुछ लेकिन कर कुछ नहीं सकेगी। सरकटा खबीस हाजिर हो। Hilah!
सर कटा शैतानी कभी इस हार की हिफाजत कर। ऐ मेरे उस्ताद जादूगर शैतानी, डाकू सरदार आला कत्ताल ने अपना एक खास कासिद भेजा है। ऐ डाकू कत्ताल के कासिद, बता क्या पैगाम लाया है? हमारे सरदार आला कत्ताल ने पूछा है कि वो तिलस्मी हार आया या नहीं। अभी तक नहीं आया। और हमारे सरदार आला कत्ताल ने यह भी कहा है कि तिलस्मी हार और फिरोजा के इंतजार में हम कब तक तड़पते रहेंगे। हमें एक सही वक्त बताओ कि हार कब मिलेगा। अपने सरदार आला कत्ताल से कह दो कि सही वक्त बताना मुश्किल है। जैसे ही वो तिलस्मी हार मेरे हाथ में आएगा, मैं खुद लेकर उसे हाजिर हो जाऊंगा। सब्र रखें, बस उनके पैगाम का यही जवाब है। मारे सियाह माहिर चोरनी और कैद में, ये कैसी सजा? शागिर्द, ये सजा शहजादे आफाक से मोहब्बत और हमदर्दी की। छोड़ दे मुझे जादूगर, छोड़ दे मुझे वरना पछताएगा, छोड़ दे मुझे। बाहर आओ। शहजादा आफाक, अपना मुजस्मा हासिल करने के लिए मैंने इन दोनों भाइयों दिलावर और यावर में से बड़े भाई डाकू दिलावर को चुना है। दिलावर सब डाकुओं को और उनके खुफिया ठिकानों को जानता है। डाकू डाका मारकर लूट का माल लेकर जब अपने ठिकानों पर पहुंचते हैं तो दूर दूर के जजीरों और शहरों से लोग उनका लूट का माल खरीदने के लिए उनके चोर बाजार में आते हैं। तो फिर हम दिलावर के साथ सौदागर बनकर जाएंगे और अपना मुजस्मा पहचान कर उसे खरीद लाएंगे। गुस्ताखी मुआफ शहजादा हुजूर, ऐसा कौन सा मुजस्मा है जिसके लिए आप इतनी तकलीफ उठाएंगे? दरोगा जिंदान, वो हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन तोहफा है, एक अजीज अजजान दोस्त की यादगार है, उसकी मोहब्बत की निशानी है, हमारी जिंदगी का मकसद है और जिसे हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दरोगा जिंदान, मैं हजूर के जज्बात का एहतराम करता हूँ। और ए दरोगा जिंदान, हमारी तुमसे एक इल्तिजा है, इस राज को राज ही रखना, किसी को भी मालूम ना हो, ये तुम्हारा हम पर एहसान होगा। दरोगा जिंदान, एहसान कहकर मुझ गुलाम को शर्मिंदा ना कीजिए। आप इत्मीनान रखिए, इस गुलाम की जान चली जाएगी मगर ये बात होठों तक नहीं आएगी। ये लो, तुम्हारी वफादारी का पेशगी इनाम। बंदा नवाजी है हुजूर की, मगर हम इस पर कैसे भरोसा कर लें कि वाकई ये उस डाकू को तलाश कर लेगा जिसके पास वो मुजस्मा है। ये मशहूर जालिम डाकू कत्ताल का साथी है। और डाकू कत्ताल सब डाकुओं का सरदार आला है। जो डाकू कहीं भी डाका डालता है या लूट मार करता है, डाकू कत्ताल को उसका हिस्सा जरूर पहुंचा दिया करता है। इसलिए मैं डाकू कत्ताल से ही शाही काफले को लूटने वाले डाकू का पता मालूम करूंगा, वो मुझे बताएगा। और अगर नहीं बताया तो? वो बता देगा, वो मेरा एहसान मंद है। क्या एहसान किया था तुमने उस पर?
मैंने उसकी जान बचाई थी। सल्तनत के अमीर का खजाना लूटते वक्त जब सिपाही आ गए तो डाकू कत्ताल को भागने का मौका देने के लिए मैंने सिपाहियों से लड़ते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। और ये बेचारा मेरा छोटा भाई, इसे मालूम नहीं था कि मैं डाकू हूं। ये उस वक्त मुझसे मिलने आया था और ये मासूम गरीब बेगुनाह भी पकड़ लिया गया। मुझे कत्ल और डाके के जुर्म में मौत की सजा हो गई। अगले जुमे को मेरी गर्दन काट दी जाएगी और ये मेरा बेगुनाह भाई, इसे अपने डाकू भाई का साथ देने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। इस हादसे से मेरे बूढ़े माँ बाप मर गए, मेरी बहन बेसहारा हो गई, उसने खुदकुशी कर ली। एक मेरे जुर्म गुनाहों की सजा मेरे पूरे घर वालों को मिली, बेइज्जती के साथ मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। भाईजान, भाईजान। शहजादा आफाक, अपना मुजस्समा हासिल करने के लिए मैंने इन दोनों भाइयों दिलावर और यावर में से बड़े भाई डाकू दिलावर को चुना है। मगर हम इस पर कैसे भरोसा कर लें कि वाकई वो उस डाकू को तलाश कर लेगा जिसके पास वो मुजस्समा है? ये मशहूर जालिम डाकू कत्ताल का साथी है। और डाकू कत्ताल सब डाकुओं का सरदार आला है। अगर तुमने तलाश करके हमें हमारा मुजस्समा दिला दिया तो इसके बदले में हम दरोगाए जिंदान से कहकर तुम्हें और तुम्हारे बेगुनाह छोटे भाई को आजाद करा देंगे। और अगर तुम भाग गए तो समझो तुम्हारी गर्दन काट देने की सजा तुम्हारे बेगुनाह छोटे भाई को दी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अब मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा, डाके नहीं डालूंगा। मेरे छोटे भाई, इस गरीब की हिफाजत करना, मौत का फरिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है और आप मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए फरिश्ते रहमत बनकर आए हैं। दरोगा जिंदान, दिलावर के छोटे भाई का ख्याल रखना, इसे जंजीरों में मत रखना। और जो मैंने ताकीद की है कि ये बात राज ही रहे, इस बात पर खास ध्यान रखना और दिलावर की भी जंजीरें खोल देना। जो हुक्म है हुजूर का, मैं ऐसा ही करूंगा। हम आज ही भेष बदल कर दिलावर के साथ अपने मकसद के लिए रवाना हो जाएंगे। भाईजान, मेरे भाई, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आ गए तुम डाकुओं के सरदारे आला कत्ताल? अचानक किस वक्त कैसे आ गए? जब तुम नहीं आए तो मुझे ही आना पड़ा। आफाक का वो तिलस्मी हार कहां है? वो तिलस्मी हार तो अभी तक मिला नहीं। ये झूठ बोल रहा है डाकू सरदार, वो तिलस्मी हार मैंने लाकर दिया है। ये आवाज कहां से आई? मैं यहाँ हूँ शीशे के कैद खाने में। पर्दा हटाओ डाकू कताल। रुको, मेरे पास दूसरा खंजर भी है और मेरा निशाना कितना तेज है वो तुमने पहले खंजर से देख लिया है। जाओ जल्दी पर्दा हटाओ वरना ये दूसरा खंजर तुम्हारी जुबान पर लगेगा और फिर तुम्हारी जुबान जादू करने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। क्या पर्दा हटाओ। हटाता हूं पर्दा, ऐसा नहीं करना। हटाता हूं पर्दा।
हटाता है। मिल गया जैसे को तैसा मिल गया। आहा, मजा आ गया। डाकू कताल, वो आफाक वाला तिलिस्मी हार शैतानी सर कटे खबीज के पास है। ए शैतान की औलाद, जल्दी से उस सर कटे खबीज से वो हार लेकर मुझे दे, वरना तेरा सर काट कर तुझे भी सर कटा खबीज बना दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं अभी वो हार तुम्हें देता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी वो जादुई लकड़ी तो उठाने दो। नहीं चालाक जादूगर, नहीं। तू ये जादुई लकड़ी उठाकर धोखे से मुझे भी कैद कर लेगा। मैं जानता हूं कि तू बगैर इस जादुई लकड़ी के भी उसे भुला सकता है। चल, जल्दी आवाज दे उसे। आवाज दे शैतान की औलाद, आवाज दे उसे। सरकटे खबीस, बाहर आ शैतानी खबीस, बाहर निकल। ले हार ले तिलस्मी हार ले मेरे जादूगर शैतानी। ये मेरे हाथ में हार नहीं, फिरोजा है जादूगर, फिरोजा। मेरा पहला काम तो खत्म हुआ, अब मेरा दूसरा काम है फिरोजा को यहां बुलाना और उसे शादी के लिए राजी करना। अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मेरा तीसरा काम होगा शहजादा अफाक को खत्म करके उसकी लाश को फिरोजा के सामने पेश करना। नहीं, अफाक को नहीं मारना। ये क्या, ये लड़की क्यों मना कर रही है? कत्ताल, ये शहजादा अफाक से मोहब्बत करती है। हाँ, मैं अफाक से मोहब्बत करती हूँ और तू भी तो फिरोजा से मोहब्बत करता है। तू जानता है मोहब्बत एक मजबूरी है जिस पर किसी को भी कोई इख्तियार नहीं है। ए डाकू कत्ताल, इस झूठे दगाबाज जादूगर ने तेरे सामने मुझसे वादा किया था कि मैं अगर आफाक वाला तिलिस्मी हार लेकर आ जाऊंगी तो ये अपने जादू के जरिए मेरे दिल पसंद मर्द से मेरी शादी करा देगा। मैं हार लेकर आ गई हूँ, ये अपना वादा पूरा करे। और ए सरदारे आला डाकू कताल, तू मुझे इस कैद से आजाद करा दे। मैं तुझे इस कैद से आजाद कराने वाला था, लेकिन अब मैं भी तुझे कैद में रखूंगा। तेरी आजादी मेरी बर्बादी है, क्योंकि मैं शहजादा अफाक को मारना चाहता हूं और तू उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। इसीलिए ऐ अकलमंद धोखेबाज जादूगर, इस मारे स्याह दोशीजा को आजाद न करना, अपनी कैद में रखना, मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करना।
मुझसे होशियारी और चालाकी की तो मैं तुम्हारा सर काट कर तुझे सर कटा जादूगर बना दूंगा। याद रखना जादूगर। मुझे आजाद करा दे डाकू कत्ताल। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो डाकू कत्ताल, तू पकड़ा जाए, मारा जाए डाकू कत्ताल। अरे जादूगर, तेरा जादू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, खत्म हो जाए तेरा जादू। अरे जादूगर और डाकू, तुम दोनों को मौत आए। मेरे उस्ताद शैतानी, तू जादूगर है, कत्ताल डाकू है, दोनों जालिम हैं, दोनों दौलत के लालची हैं, दोनों कमीने हैं, दोनों मतलबी हैं, दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, यानी दोनों की बराबर की टक्कर है। हाँ, मगर तू घबरा मत मेरे शागिर्द, अब मैं एक ऐसा दाव चलूंगा जिससे डाकू कत्ताल हुर्राते हुए भेड़िए से दुम हिलाता हुआ कुत्ता बन जाएगा। बस डाकू कत्ताल के पास तिलस्मी हार के जरिए फिरोजा को आने तो दे। आफाक ने मुझे याद किया, कितने दिनों के बाद याद किया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ आफाक, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। आफाक, इस बार बहुत दिनों के बाद बुलाया है तुमने, लगता है मोहब्बत कम हो गई है। ये कहाँ बुला लिया है तुमने, कौन सी जगह है? अच्छा समझी, अब्बा हुजूर के डर से तुमने मुझे ऐसी अजीब सी जगह पर बुला लिया है। बोलते क्यों नहीं, अंधेरे में क्यों खड़े हो? रोशनी में आओ, अपना चेहरा तो दिखाओ। राजन बागी कत्ताल। हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त कति और आज का राजन बागी डाकू कत्ताल। लेकिन फिरोजा, मुझसे डरना नहीं। मैं तुझसे क्या डरूंगी जलील राजन? लेकिन तुझे डर नहीं लगा कि शाही खानदान से अपना इंतकाम लेने के लिए तू ये क्या हरकत कर रहा है? मैं तुझसे पूछती हूँ, एक गुस्ताख बागी लुटेरे, मेरे तिलस्मी मुजस्समे और आफाक के तिलस्मी हार को लूटकर तूने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? जजीरा कागान की सल्तनत के सूबेदार मोहतरम अताउल्ला शाह की बेटी हूँ मैं, फिरोजा। अताउल्ला शाह की बेटी ये भूल गई कि बागी और डाकू तो मैं अब बना हूँ। मैं बचपन में तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हारा दोस्त था। बचपन में मैंने कभी तुझे अपना दोस्त नहीं समझा, तुझे गरीब का बेटा समझकर तुझ पर तरस खाकर मैंने तुझे अपने साथ खेलने की इजाजत दी थी। उस गलत फहमी का नाजायज फायदा ना उठा, बचपन खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ। अब उस बचपन का इस उम्र से क्या ताल्लुक है?
जल्दी से उस तिलिस्मी हार के जरिए मुझे मेरे महल में भेज दे। अब्बा हुजूर के खाने का वक्त हो रहा है, अभी कनीज शबाना मेरे ख्वाबगाह में आकर खबर देगी। हुजूर नूरे नजर, खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिया गया है, थोड़ी ही देर में अब्बा हुजूर आने वाले हैं। कोई जवाब नहीं, क्या नूरे नजर कहीं बाहर गई हैं? नहीं हुजूर, नूरे नजर अपनी ख्वाबगाह में ही हैं। शायद आराम फरमा रही हैं। वो तो हमेशा अपनी मर्जी से ही आती जाती हैं। न तुम अपनी मर्जी से आई थी और न ही तुम अपनी मर्जी से जा सकती हो। मेरी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी से ही जाओगी, समझ गई ना मेरी जाने जान फिरोजा? बदतमीज, बेशर्म, अपनी जुबान को अदब सिखा वरना तेरे मुंह में अंगारे भर दिए जाएंगे, तेरी ये गुस्ताख आंखें निकाल ली जाएंगी। अगर मेरे अब्बा हुजूर को जरा भी शक हो गया कि बागी कत्ताल डाकू ने शाही खानदान से बदला लेने के लिए मुझे इस तरह जबरदस्ती बुलाया है, तो वो फौज लेकर आएंगे, तुझे और तेरे साथियों की बोटी बोटी करके चील, कौवों, जंगली कुत्तों और भेड़ियों को खिला देंगे। मैं खुद एक खूंखार भेड़िया हूं, खौफनाक बागी और जालिम डाकू। मैं जानता हूं कि मैं जब भी पकड़ा जाऊंगा तो मौत की तेज तलवार मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग कर देगी, लेकिन मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझ में वो तमाम खूबियां हैं जो एक शैतान में होती हैं। मैंने शाही काफिले को लूट कर इस मुजस्मे को हासिल किया। किस्मत मुझ पर मेहरबान थी, मैं कामयाब होता चला गया। फिर ये तिलस्मी हार मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गई, और अब आफाक भी मिलेगा। आफाक? हाँ आफाक, उसका अब तक पता नहीं चला कि वो कहां है, लेकिन जैसे ही वो अपने महल से बाहर निकलेगा या जब भी कहीं मिलेगा तो मेरे जासूस डाकू उसको पकड़कर यहां लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आफाक के सामने तुझसे शादी करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर तूने मुझसे शादी करने से इनकार किया या मरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सब अजीज रिश्तेदारों को बारी बारी खत्म करके उनकी लाशों को तुम्हारे सामने पेश करता रहूंगा। मेरे इंतकाम को पूरा करने के लिए तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर लो, वरना मैं उन सब को मार दूंगा। और फिर जबरदस्ती तुमसे शादी कर लूंगा, और यही मेरा इंतकाम होगा। एक बागी का बदला एक शाही खानदान से एक बागी कातिल डाकू कत्ताल का खूनी बदला, समझी? इस बागी डाकू जानवर से अक्लमंदी से बात करनी चाहिए, वरना वाकई ये सबको मार डालेगा। क्या फैसला किया? जल्दी जल्दी सोचो दुख्तरे सूबेदार। सरकश हैवान, फैसले के लिए, सोचने समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जा, वक्त दिया, कल इसी वक्त तुम्हें फिर मैं यहां बुलाऊंगा। कल
कल तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझी? कब से इंतजार कर रहे हैं बेटी? दरवाजा खोलो बेटी। कब से इंतजार कर रहे हैं नूरे नजर? अरे बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी, अरे बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटी। अगर अब्बा हुजूर को मैं बागी डाकू कत्ताल की बात और तिलस्मी मुजस्मे और हार की बात बताती हूँ तो ये राज खुल जाएगा कि इसी मुजस्मे के जरिए आफाक फिरोजा से मिलता होगा, जबकि हम दोनों के माँ बाप ने हम दोनों को मिलने से सख्त मना कर रखा है, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहिए। बेटी फिरोजा। जी अब्बा हुजूर, अंदर चले आइए। खुदा का शुक्र है नूरे नजर की आवाज तो आई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर, आइए। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा हुजूर, जहमत इंतजार की मुआफी चाहती हूँ, जरा आंख लग गई थी। तुम्हारे जवाब न देने पर हम बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गए थे कि आखिर हमारी बेटी गई कहाँ। आइए नूरे नजर, चलिए खाना खाते हैं, दस्तरखान हमारा इंतजार कर रहा है। आप चलिए अब्बा हुजूर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आफाक का मिलना बहुत जरूरी है, आफाक को ये सब कुछ बता दूंगी। आफाक की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है, वरना डाकू उसे उठाकर ले जाएंगे। पता नहीं आफाक क्या फैसला किया। जल्दी जल्दी सोचो दुख्तरे सूबेदार। सरकश हैवान, फैसले के लिए, सोचने समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जा, वक्त दिया, कल इसी वक्त तुम्हें फिर मैं यहाँ बुलाऊंगा। कल तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर, आइए। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे जवाब न देने पर हम बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गए थे कि आखिर हमारी बेटी गई कहाँ। आइए नूरे नजर, चलिए खाना खाते हैं, दस्तरखान हमारा इंतजार कर रहा है। आप चलिए अब्बा हुजूर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आफाक का मिलना बहुत जरूरी है, आफाक को ये सब कुछ बता दूंगी। आफाक की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, वरना डाकू उसे उठाकर ले जाएंगे। पता नहीं आफाक कहाँ होगा। और कितनी दूर है? बस यहाँ से थोड़ी दूर है, वो देखिए सामने वाली जगह ही डाकू कत्ताल की पहाड़ी गार है। बताओ कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? क्या सल्तनत कागान के जासूस हो? नहीं, हम जासूस नहीं हैं। मैं दिलावर हूँ, दिलावर, और ये दोनों मेरे साथी हैं। और तुम तो हाशिम बिन कासिम हो ना? हाँ, मैं हाशिम बिन कासिम हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं दिलावर हूँ, डाकू दिलावर, कत्ताल का दायां बाजू और तुम्हारा साथी। भूल गए क्या? अरे मेरा दोस्त दिलावर, यारों का यार दिलावर, जानिसार जाबाज दिलावर।
तूने तो अपने सरदार कत्ताल को बचाने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा दिया था ना। तुझे तो सजाए मौत हो गई थी। हाँ, तो फिर हाथ पांव की बेड़ियां और कैद खाने की सलाखें तोड़कर आ गया है तू। कुछ भी समझो यारो, बस आ गया। तुम यार दोस्तों की याद सताई और आ गया। ये भी उसी शाही कैद खाने से भागे हुए कैदी है क्या? ये डाकू हैं, चोर हैं या कातिल, ये है क्या? अभी ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सिखाने के लिए लाया होगा साथ में। शक्ल से तो ये शरीफ लगते हैं। हम भी डाकू बनने से पहले शरीफ ही थे। लेकिन जैसे जैसे बुरे काम करते गए, हमारी शक्लें भी बुरी बनती गईं। अच्छे या बुरे काम करने का असर चेहरे पर जरूर आता है। ये मेरे दोस्त डाकू बनने नहीं आए हैं, बल्कि ये सौदागर हैं, कुछ माल खरीदने आए हैं। तो फिर जल्दी जा, सरदार कत्ताल ने वो शाही काफिला लूट लिया था जिसमें बादशाह कागान ने सूबेदार की बेटी फिरोजा के लिए तोहफे भेजे थे। आजकल तो हम लोग पहरेदारी का काम कर रहे हैं, अब तो तुम आ ही गए हो, इसलिए उठना बैठना खाना पीना तो होता ही रहेगा। तू जल्दी जा, सरदार कत्ताल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तूने तो उसकी जान जो बचाई थी। जा जा, जल्दी जा। ये वही पुराना रास्ता है जिस रास्ते पर तू चलकर मौत के कैदखाने तक पहुंच गया था। जा। काम बन गया शहजादा हुजूर। शहजादा हुजूर ना कहो। ओ, काम बन गया सौदागर। जिस मुजस्समे के लिए हमने इतना लंबा सफर तय किया, समझो कि अब मिलने वाला है। यकीनन डाकुओं का सरदार आला मुझे देखकर बहुत खुश होगा। ओ यार, मैं कुर्बान, मेरा दोस्त, मेरी यार। आज तुझे याद किया और आज ही तू आ गया। तू नहीं मरने वाला। मेरे दोस्त, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है और वो काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं भी एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ जो सिर्फ तू ही कर सकता है। जान हाजिर है, जान दे दूँ? तुम्हारी जान नहीं चाहिए। किसी की जान बचाने के लिए तुमसे चीज मांग कर ले जानी है। अगर वो चीज यहाँ है तो वो तेरी। बगैर मुझसे पूछे तू वो चीज यहाँ से ले जा सकता है? आ मेरे यार, बैठ। तेरी दोस्ती से मुझे यही उम्मीद थी। अब तू बता, तेरा क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। पहले तू बता मेरे यार कि तू क्या मांगने आया है मेरे पास। तूने बादशाह कागान का शाही काफिला लूटा था जिसमें सूबेदार की बेटी फिरोजा की शादी के नजराने जा रहे थे। उसमें एक मुजस्मा था। मुजस्मा? हाँ, मुजस्मा, वो तिलस्मी मुजस्मा है। वो तिलस्मी मुजस्मा है? अच्छा, वो तिलस्मी मुजस्मा किस काम में आता है? ये मुझे नहीं मालूम। दो सौदागर उसे खरीदने के लिए मेरे साथ आए हैं और मैं इसी काम के लिए तेरे पास आया हूं। वो दो सौदागर कौन हैं? कहां के रहने वाले हैं और इसी मुजस्मे को क्यों खरीदना चाहते हैं? मेरे लूट के माल में तो और भी बहुत कुछ सामान था, उसे क्यों नहीं खरीदने की बात की? अरे यार कत्ताल, तेरी इन सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तू तो सिर्फ इतना बता कि वो मुजस्मा कहां है। वो मुजस्मा? बेकार की चीज समझकर मैंने कहीं फेंक दिया होगा। फेंक दिया होगा? घबरा मत, तलाश करूंगा तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मिल जाएगा। अच्छा तू बता, तेरा क्या काम है मुझसे जो मैं कर सकता हूँ? एक आदमी को उठाकर यहाँ लाना है
और वो काम सिर्फ तुझ जैसा वफादार बहादुर दोस्त ही कर सकता है, जो मौत को भी धोखा दे सके, शेर को भी चालाकी और मक्कारी के जाल में फांस कर ला सके, चाहे उसे तू जिंदा ला या उसकी लाश ला। ये जुर्म गुनाह का पेशा, ये काम मैंने छोड़ दिया कत्ताल। तुमने छोड़ा है, तुम्हारे पेशे तुम्हारे काम ने नहीं। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बुरे लोगों के साथ दोस्ती मत करो, बुरे लोगों के साथ कभी ना बैठो। जुर्म सजा, खून, कत्ल, डाके और गुनाहों के रास्ते पर चलने से पहले हजार हजार बार सोचो, वरना दौलत की लालच और तुम्हारे साथी तुम्हें कभी सोचने नहीं देंगे। नहीं, यह गलत है। जिस दिन भी इंसान को होश आ जाए, वो दिन उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। जुर्म और गुनाह से तौबा करने के बाद इंसान जरूर अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। नहीं दिलावर, तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे किए हुए जुर्म और गुनाह हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। एक दिन मुझे जरूर अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। कत्ताल, जब अच्छाइयों को खत्म करके बुरे इंसान बन सकते हैं, तो क्या बुराइयों को खत्म करके अच्छे इंसान नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। दिलावर, 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 मैं तेरी नसीहत पर चलूंगा तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होऊंगा। मुझे किसी से शादी करनी है, अपना खानदानी इंतकाम लेना है, मुझे ऐसा बदला लेना है कि दुनिया भी कांप उठे, पत्थर भी रो पड़े, आसमान भी बिजलियां गिराना छोड़ दे और जमीन आग उगलना भूल जाए। तू मुझे उसे जिंदा ला कर दे या उसकी लाश। किसे? शहजादा आफाक को। शहजादा आफाक को? हाँ, शहजादा आफाक को। उसे उसके महल से उठाकर मुझे ला कर दे दे। बाकी शहजादा फिरोजबख्त, सूबेदार, बादशाह, इन सबको कैसे मारना है वो तदबीर है मेरे पास। बस तू किसी भी तरह शहजादा आफाक को मुझे जिंदा ला कर दे दे या उसकी लाश लेकर आ। मैं जुर्म और गुनाह से तौबा कर चुका हूं कत्ताल, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मजबूरन मुझे ऐसा करना होगा कि जब तक तू मेरे काम के लिए राजी नहीं होता, तब तक तुझे और तेरे सौदागर दोस्तों को कैद कर लूंगा। ये धोखा करेगा तू मेरे साथ, कैद करेगा तू? एहसान फरामोश, जलील कमीने, मैंने तेरी जान बचाई, तेरी मौत की सजा मुझे मिली। तू शाही कैद खाने पर हमला करके मुझे निकाल कर ले जाता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मेरे और मेरे मासूम बेगुनाह छोटे भाई को कैद हो जाने के सदमे से मेरे माँ बाप को मरने से बचाना चाहिए था, मेरी बहन को खुदकुशी से बचाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। जालिम, दगाबाज, कमीने, एहसान फरामोश। वो तिलस्मी मुझे समा मुझे दे, उसके बदले में मेरा छोटा भाई छूट जाएगा, वरना दरोगा जिंदान मेरे बदले में उसे कत्ल कर देगा। वो मुजस्मा कहाँ है? मेरे छोटे भाई की जिंदगी का सवाल है। लादेव,
उस बेचारे को मेरे गुनाहों की सजा क्यों मिले? ला दे वो मुजस्मा, दे देता हूं। गर्दन छोड़, गर्दन हमारे इस वफादार दोस्त दिलावर को इसके सौदागर दोस्तों के साथ कैद किया जाए, लेकिन पहले कोड़ों से इनके जिस्म पर हमारी दोस्ती के नक्शे बनाए जाएं। अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो इसका कत्ल किया जाए। चलो, तेरे खरीदार आए हैं। ये सौदागर कौन है? जरूर इसमें कोई राज होगा। कोई भी राज हो, मैं हर तरह से कामयाब हूं। हाँ, क्योंकि अभी तक सिपाहियों को यह पता नहीं चला कि शाही काफिले को किसने लूटा था। आखिर वो शाही काफिला किसने लूटा था? ताज्जुब है अब्बा हुजूर, अभी तक ये पता नहीं चला कि डाकू कौन था। यही तो मुझे भी ताज्जुब है कि वो इतना चालाक डाकू है कि उसने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। अब्बा हुजूर, आप यकीन करें तो एक बात अर्ज करूं? हमें तुम्हारी हर बात पर यकीन है। कहो बेटी। मैंने एक ख्वाब देखा है। पहाड़ी इलाके में एक गार है और उस गार में शाही काफिले से लूटे हुए तोहफे रखे हैं और एक डाकू किस्म का जालिम आदमी जो कि अपने आप को सल्तनत कागान का बागी बताता है वहां खड़ा हुआ कह रहा है, मैं इंतकाम लूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। नूरे नजर, तुम्हारा ख्वाब सही हो सकता है क्योंकि इस किस्म का बागी एक ही है और वो है डाकू का ताल, और वो जगह है जजीराए मरजान। तो वहां अपने सिपाही क्यों नहीं भेजते आप? वहां हमने सिपाही भेजे थे मगर वो वापस आ गए। वहां ऐसे घने जंगल और पहाड़ियां हैं कि सिपाही अंदर जाने के बाद वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। दोबारा भेजिए, अपने सिपाहियों से कहिए पहाड़ों में गारों को तलाश करें। मुझे पूरा यकीन है डाकू गिरफ्तार होंगे और हमारे तोहफे हमें मिल जाएंगे। आप जल्दी से सिपाहियों को वहां भेज दें और उन्हें हुक्म दें कि जब तक डाकू ना मिले वापस ना आए, तलाश करें। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं अभी हुक्म देता हूं। तुम्हारे लिए भेजे गए सब तोहफे तुम्हें वापस जरूर मिलेंगे। तिलिस्मी मुजस्मे के जरिए डाकू कत्ताल से मैं अपनी मुलाकात का हाल अगर अब्बा हुजूर को बता देती हूँ तो आफाक के अब्बा हुजूर और मेरे अब्बा हुजूर के सामने
मुजस्समे का ये राज खुल जाएगा कि इसी तरह आफाक फिरोजा को अपने ख्वाबगाह में बुलाकर मिला करता होगा, क्योंकि ये मुजस्समा आफाक के अब्बा हुजूर बादशाह सलामत आफाक की ख्वाबगाह से उठाकर ले गए थे। रात होने वाली है और वो जालिम डाकू कत्ताल अब मुझे बुलाएगा। अगर उसने शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये जहर खा लूंगी। तिलिस्मी मुजस्मा डाकू कत्ताल को लूट के माल में मिला होगा, लेकिन वो तिलिस्मी हार जो कि आफाक के गले में था, वो तिलिस्मी हार डाकू के पास कैसे आ गया? आफाक के गले का वो तिलिस्मी हार डाकू कत्ताल के हाथों में नहीं जाना चाहिए था। गलती तेरी है मारे सिया दोशीजा, तुझे वो तिलिस्मी हार शहजादा आफाक के गले में से चुरा कर नहीं लाना चाहिए था। सच कहते हो तुम, लेकिन जरा ये तो सोचो, अगर मैं हार चुराने नहीं जाती तो शहजादा आफाक से मिलती कैसे, उसे देखती कैसे? किस्मत से मैंने उसे देखा और देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई। मैंने आफाक के बिस्तर में जाकर उसके गले से तिलिस्मी हार निकाल लिया। उसे खबर तक नहीं हुई। हाँ, चोर तो तू अव्वल दर्जे की है, तूने मेरा दिल चुरा लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पसंद नहीं, प्यार करता हूँ। क्या तुमने मेरा असली रूप देखा है? ये देख। रात होने वाली है और वो जालिम डाकू कत्ताल अब मुझे बुलाएगा। अगर उसने शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये जहर खा लूंगी। तिलिस्मी मुजस्समा डाकू कत्ताल को लूट के माल में मिला होगा, लेकिन वो तिलिस्मी हार जो कि आफाक के गले में था, वो तिलिस्मी हार डाकू के पास कैसे आ गया? हाँ, चोर तो तू अव्वल दर्जे की है, तूने मेरा दिल चुरा लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। क्या तुमने मेरा असली रूप देखा है? ये देख। क्या चाल है, क्या अदा है, सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो, जवान हो। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज नागन होती है। अपनी खूबसूरती के साथ जब मैं किसी को काट लेती हूँ तो मेरा जहर उस इंसान को बड़ा बदसूरत बना देता है। मैं अपने जादू से तेरे जिस्म का सारा जहर निकाल दूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐ नेक दिल शागिर्द, मेरे लिए तेरी ये तारीफ और कोशिश सब बेकार जाएगी, क्योंकि मैं तो शहजादा आफाक को चाहती हूँ। शहजादा आफाक तो तुझे मिलेगा नहीं,
ना उससे तेरी शादी हो सकती है, ना ही वो कभी तुझसे प्यार करेगा। ना करी प्यार, ना हो शादी, मगर हम तो प्यार किए जाएंगे। हुआ फैसला, प्यार तू आफाक से कर, शादी मुझसे कर ले। आफाक एक शरीफ इंसान है और शरीफ इंसान से प्यार करने में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो तो तुझे कभी मिल ही नहीं सकता। अगर वाकई तू शहजादा आफाक से प्यार करती है तो तुझे शहजादा आफाक से प्यार करने वालों से भी प्यार करना चाहिए। वो कैसे? आफाक की महबूबा फिरोजा की मदद करके। डाकू कत्ताल उस तिलस्मी हार के जरिए उस शरीफ लड़की फिरोजा को बहुत मजबूर करेगा, अपना बदला लेने के लिए उसे बेइज्जत करेगा। एक औरत के रिश्ते से मैं एक औरत की इज्जत को लूटने नहीं दूंगी। और अगर शहजादा आफाक और उसके दोस्त फिरोज बख्त को डाकू कत्ताल उठाकर यहाँ लाने में कामयाब हो गया तो वो उन दोनों को बड़ी सख्त तकलीफें देकर मार डालेगा। रोशिजा मारे सियाह, ये हमें मालूम है कि हम बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम बहुत बुरे इंसानों के साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कोई नेक काम कर लेना चाहिए, ताकि जब कभी हम पर बुरा वक्त आए तो खुदा हमारी भी मदद करे। ठीक कहा तुमने, हमें ये नेकी का मौका गवाना नहीं चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? तू किसी तरह से डाकू कत्ताल के गले से वो तिलस्मी हार चुरा के ले आ। जागते में हार चुरा कर लाना मुश्किल है, लेकिन मैं मौके की तलाश में रहूंगी। डाकू कत्ताल के गले से मैं वो तिलस्मी हार चुरा कर ले आऊंगी, मगर पहले तू मुझे इस कैद से आजाद कर दे। ये लो, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूं। आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे, मुझे छोटे से बड़ा बना दे। मेरी महबूबा मारे सिया, तेरे छोटे कद को मैं अभी बड़ा नहीं कर सकता। उस जादू में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फिर तू पहले जैसी हो जाएगी, फिक्र ना कर। अब तो फिक्र मुझे फिरोजा की है। मैं अब जाती हूँ और जैसे ही मौका मिले मैं वो तिलिस्मी हार चुरा कर लाऊंगी। नादिर, इस तिलिस्मी हार को वो तिलिस्मी नागिन आफाक के गले से चुरा कर लाई थी, और नकली हार आफाक के गले में डाल दिया था। आफाक को यह भी नहीं पता कि उसके गले का हार नकली है। आफाक और फिरोजा को सिर्फ ये मालूम हुआ होगा कि दूसरे कीमती सामान के साथ डाकू उस मुजस्समे को भी लूट कर ले गए हैं, और अभी तक उस बहादुर डाकू का नाम उन्हें तो क्या किसी को भी मालूम नहीं हो सका। किसी को मालूम ना होना ही मेरा कमाल, मेरी कामयाबी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है नादिर, कि इस मुजस्मे को खरीदने के लिए दिलावर के साथ दो सौदागर कैसे आ गए? और इस तिलस्मी हार को खरीदने के लिए कोई सौदागर नहीं आया? नहीं, क्योंकि इस हार का राज सिर्फ मैं, जादूगर शैतानी और नागिन चोरनी ही जानते हैं, इसलिए कोई नहीं आया। उन सौदागरों में जरूर कोई गहरा राज छुपा हुआ है। शाही जासूस तो हो ही नहीं सकते। दिलावर तुझसे धोखा नहीं करेगा।
उसने तो तेरी जान बचाई थी। दिलावर अब पहले जैसा दिलावर नहीं रहा नादिर। मैंने उससे कहा था कि तू आफाक के महल के बाहर आफाक की ताक में रहे और जैसे ही तुझे मौका मिले तू उसे जिंदा या मुर्दा उठाकर यहां ले आ। तो क्या दिलावर ने आफाक को लाने से इनकार कर दिया? हाँ, बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया। और दिलावर अपने छोटे भाई यावर को मौत की सजा से बचाने के लिए शरीफ बनकर मेरे खिलाफ हो गया और मुझे ही अच्छा बनने की नसीहत करने लगा। नसीहत करने वाले दोस्त दिलावर को मार देना चाहिए। जब तक दिलावर आफाक को जिंदा या मुर्दा उठाकर लाने के लिए राजी नहीं होगा तब तक उस पर और उसके सौदागर दोस्तों पर कोड़े बरसते रहेंगे। या तो वो आफाक को लाने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर कोड़ों की मार से उसके सौदागर दोस्त और खुद दिलावर भी मर जाएगा। दिलावर मर जाएगा। सरदार कत्ताल ने उसके साथ धोखा किया। क्या हुआ? हमारा कबीना सरदार कत्ताल दिलावर को मजबूर कर रहा है कि शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा उठा कर ला, वरना वो दिलावर और उसके सौदागर दोस्तों को कोड़े मार मार कर हलाक कर देगा। हमारा ये सरदार कत्ताल कितना दगाबाज, नमक हराम और एहसान फरामोश है। दिलावर ने सरदार कत्ताल की जान बचाई और वो खुद गिरफ्तार हो गया था, और ये कमीना लालची सरदार कप्तान अपने फायदे के लिए अपने प्यारे दोस्त दिलावर की जान ले रहा है कि वो शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लेकर आए। शहजादा आफाक को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए दिलावर अभी तक राजी नहीं हुआ है, और ना ही वो ये बता रहा है कि उसके दोनों सौदागर दोस्त कौन हैं और वो तिलस्मी मुजस्मा क्यों खरीदना चाहते हैं। मुजस्मा खरीदने का राज भी मालूम होगा। मैं मुजस्मे वाली को ही बुला लेता हूं। आओ मेरी जाने मन फिरोजा। क्यों जाने मन? गुस्ताख, बदतमीज, राहजन, तू ये ना समझ कि तिलिस्मी मुजस्मा और तिलिस्मी हार पर अपना कब्जा कर लेने से तू मुझे मजबूर और बेबस समझकर गुस्ताखियां करेगा। मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। तेरी बदजुबान काट डालूंगी, तेरी हवस भरी आंखें फोड़ दूंगी। ये खंजर तेरे गुनाहगार दिल के आग पार होगा। मेरी लाश से पहले तेरी लाश यहां तड़पेगी। याद रख, मैं दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो हूँ। ए दुख्तरे सूबेदार फिरोजा बानो, ये खंजर फेंक दे। जरूर फेंकूंगी, लेकिन जमीन पर नहीं।
तेरा हर बार खाली जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे कब्जे में, तेरी जान मेरे कब्जे में, तिलस्मी हार मेरे कब्जे में, कुछ नहीं कर सकती। तू ये बता, तुझे सोचने समझने के लिए मैंने वक्त दिया था, क्या फैसला है तेरा मुझसे शादी करने का? मैं शादी नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा आखिरी फैसला ये है कि मैं तुझसे शादी करके रहूंगा। मैं इज्जत से मरना पसंद करूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती, तुझसे शादी करके ही शाही खानदान से इंतकाम लूंगा, अपना खानदान ही बदला लूंगा। तेरे बदले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। डाकू अंजाम से नहीं डरते, इसीलिए वो कुत्ते की मौत मरते हैं। फिरोजा, फिरोजा की हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके इरादों को कोई बदल नहीं सकता। फिरोजा की शादी सिर्फ एक ही इंसान से होगी और वो है शहजादा आफाक। शहजादा आफाक को भी उसके महल से उठा कर लाने का इंतजाम कर रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं फिरोजा कि जब तक तुम्हारा महबूब शहजादा आफाक नहीं आएगा, तब तक मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, उसके यहां आने के बाद ही तुमसे शादी करूंगा। मगर अफसोस, अफसोस कि वो तुमसे बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी बात नहीं करते फिरोजा। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शहजादा फिरोज बख्त और दूसरे बुजुर्ग रिश्तेदारों की लाशें भी तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। हाँ, दरिंदे, भेड़िए। इस दरिंदे और भेड़िए का एक और कमाल देखो फिरोजा, जो सौदागर तुम्हारा तिलस्मी मुजस्मा खरीदने आए थे वो ये राज नहीं बता रहे थे कि वो कौन हैं, क्या हैं, और फिरोजा का वो तिलस्मी मुजस्मा क्यों खरीदने आए हैं। इस वजह से मैंने उनकी बड़ी बड़ी खातिर खिदमत की है। आओ आओ फिरोजा, मैं तुम्हें भी उनके दीदार कराता हूं। आओ। फिरोज़बख्त, ये शहजादा आफाक है, शहजादा फिरोज़बख्त है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? वाह वाह, जिनकी तलाश में था वो खुद अपने कंधों पर अपनी लाश लेकर यहां तक आ गए। वाह रे वाह, शैतानी खोपड़ी वाले बाबा, वाह रे वाह, है जादूगर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आफाक, फिरोज बख्त, तुम यहां क्यों आ गए? कुछ बदनसीब के मुजस्मे के लिए तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
मेरी बदकिस्मती तुम्हें भी यहाँ खींच कर ले आई। देखा मुझ पर किस्मत कितनी मेहरबान है, जो कुछ मांगा था सब मिल गया। अरे नादान जालिम कत्ताल, जब किसी जालिम पर किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है तो ये समझ ले कुछ दिनों में मौत भी तुझ पे मेहरबान होने वाली है। जरा इन लोगों को इन बातों का जवाब घोड़ों से दे दो, दे दो, मैं बहुत खुश हूँ। मारो। नहीं। ये बागी डाकू कत्ताल की कुर्बानगाह है, यहाँ जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाती, यहाँ आशिकों के सर काट कर चढ़ाए जाते हैं। मैं वो पत्थर दिल बेरहम भैंसी दरिंदा हूँ, जिससे भी इंतकाम लेता हूँ तो पहले उसके नाखून उखाड़ देता हूँ, फिर एक एक बाल नोचता हूँ, फिर आंखों की पलके खींच लेता हूँ, जुबान कांटों से भर देता हूँ, और फिर तड़प तड़प कर मरते हुए मंजर को खुश होकर देखता हूँ। कत्ताल हूँ मैं। नहीं, ऐसा जुल्म ना कर, अल्लाह के लिए ऐसा जुल्म ना कर कत्ताल, अल्लाह से डर, जुल्म की इंतहा हो गई है, तेरा अंजाम दुनिया के लिए एक सबक होगा। जल्लादो, तुम अपनी कारीगरी दिखा। सरदार, सरदार, पहरेदार हाशिम और उसके साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की। शाही फौज जो हमारी तलाश में थी उन्हें साथ में लेकर वो तुम्हें गिरफ्तार कराने आ रहा है। जल्लादो, तुम अपनी कारीगरी दिखाओ। ओ! ओ!
सरदार, पहरेदार हाशिम और उसके साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की है। शाही फौज जो हमारी तलाश में थी उसे साथ में लेकर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। शहजादा फिरोज बख्त, आप यहाँ? हाँ, ये मुझे साथ लेकर डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। हुजूर सिपह सालार, इस नेक शागिर्द की मदद से, इस शैतानी जादूगर की गार से हमें शाही काफिले का सारा लूटा हुआ माल मिल गया है और यहाँ से हमने सारा लूटा हुआ माल भी हासिल कर लिया है। हुजूर, ऐसा लगता है ये मुजस्मा भी शाही काफिले के तोहफे में शामिल होगा। ये मुजस्मा और सब मालो जर बड़ी एहतियात व हिफाजत से हुजूर अताउल्ला शाह सुबेदार के फिरोजा महल में पहुंचा दिए जाएं। डाकू कत्ताल की तरह इस शैतानी जादूगर को भी सख्त पहरे में ले जाकर मौत के कैदखाने में बंद कर दो। वो मुजस्मा तो शाही सिपाही ले गए मगर वो तिलस्मी हार कहाँ है? मारे सिया दोषीजा, कहाँ हो तुम? दोषीजा मारे सिया, मुझे आवाज दो मारे सिया। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। दोषी जी मारे सिया, ये क्या हुआ? किसने जख्मी किया है तुझे? बहुत खून बह गया है, कैसे जख्मी हो गई तू? जब मैं हार लेकर भाग रही थी उस वक्त डाकू कत्ताल की तलवार से जख्मी हो गई थी। आफाक और उसके साथियों को बचाने के लिए मैंने जल्लादों को दस लिया, वो मर गए। फिर शाही सिपाहियों के आने से पहले मैंने तिलिस्मी हार चुराकर फिरोजा को गायब कर दिया ताकि शाही सिपाही फिरोजा को ना देख सके। पर्दा नशी फिरोजा की इस बात पर भी पर्दा पड़ गया कि तिलिस्मी हार और तिलिस्मी मुजस्मे के जरिए आफाक और फिरोजा मिला करते थे। मिलने का ये राज भी नहीं खुला। बहुत नेक काम किया है तूने, मोहब्बत करने वालों के राज को राजी रहने दिया, आफाक और उसके साथियों को भी बचा लिया। बड़ी रहम दिल है तू, बड़ी रहम दिल। मैं इतनी रहम दिल नहीं थी। आफाक की मोहब्बत ने मुझे पत्थर दिल से रहम दिल बना दिया। चल मारे सिया, मेरे साथ चल, मैं जर्राह से तेरे जख्मों का इलाज कराऊंगा। नहीं, मैं तिलस्मी नागन हूँ और जब तिलस्मी नागन का सर जख्मी हो जाता है तो वो अच्छी नहीं होती। जख्मी होने के बाद दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने के बाद वो मर जाती है और अब
सुबह होने वाली है, मेरी मेरी जिंदगी का आखिरी आखिरी सूरज निकलने वाला है। नहीं मारुसिया, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो मौत मुझे लेने आ गई है, ये हार आफाक की अमानत है, उसे दे देना। मैं अपने दिल में एक दुख एक दर्द लेकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैंने तो आफाक को देखा है, लेकिन लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा। काश वो एक बार मुझे देख लेता। मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है, मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी। आफाक की किस्मत में ऐसी बहुत सी और लड़कियां और औरतें आएंगी, वो मुझ बदनसीब को कहां याद करेगा? वो जरूर याद करेगा। आफाक और फिरोजा की मोहब्बत का ये हार तेरी इस कुर्बानी की याद दिलाता रहेगा। हाँ मारिसिया, ये कहकर तुमने मेरी मौत आसान कर दी। अलविदा, आखिरी आखिरी नजर, आखिरी आखिरी सांस, आखिरी आखिरी सलाम, आफाक तेरे लिए। ये हार नकली था, ये हार असली है। इस हार को बचाने के लिए दुर्शिजा मारेसिया अपनी जान पर खेल गई। शाही सिपाहियों के आने से पहले इस हार के जरिए उसने फिरोजा को गायब करके उसकी इज्जत को बचाया है, हमारी मोहब्बत की मुलाकातों की राज को छुपाया है। वाकई वो तिलस्मी नागन मारेसिया बहुत अजीम थी, वरना मोहब्बत में इतना अजीम तो इंसान इंसान के लिए नहीं होता। दुर्शिजा मारेसिया ने मेरी मोहब्बत के जज्बे में जो कुर्बानी दी है उसका मैं एहसान मंद हूं। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा मेरे दिल में मेरी जिंदगी के साथ साथ रहेगी। मुझे खुशी है कि अब उसकी रूह हमेशा खुश रहेगी। और शैतानी जादूगर के फरिश्ता सीरत शागिर्द, हम तुम्हें और दिलावर के दोस्त पहरेदार हाशिम और उसके साथियों को भी कभी नहीं भूल सकते। खुदा के रहमो करम और तुम सबकी मदद से ही हमारी जानें बची, वरना कत्ताल तो हमारी लाशों का सौदागर बन जाता और हमारा ये राज भी नहीं खुलता कि हम तिलिस्मी मुजस्समे की तलाश में डाकू कत्ताल के पास गए थे। बादशाह सलामत, सिपाह सालार और सभी सिपाहियों के साथ दरबारी भी यही समझ रहे हैं कि शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त डाकू कत्ताल को ही पकड़ने गए थे। ऐ बादशाह कागान, छोड़ दे हमें, छोड़ दे हमें। क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जादूगर शैतानी, तू कागान के सल्तनत का बादशाह है तो मैं जादूगरी की सल्तनत का शहंशाह हूं। डर मुझसे? हाँ डर इससे और मुझसे भी, क्योंकि हम दोनों भी तुझसे ताकतवर हैं। इन गुस्ताख बदतमीज गुनाहगारों को गुस्ताखी की सजा दो।
दगाबाज शागिर्द, मेरा शागिर्द होकर मुझसे सीखा हुआ जादू मुझ पर ही चलाकर मुझे गधा बना दिया। तुझे गधा बनाकर गधों की बेइज्जती की है मैंने। तूने मेरे साथ धोखा किया। तू नमक हराम शागिर्द है। हाँ, मैं नमक हराम शागिर्द हूँ। तूने हर नेक इंसान के साथ धोखा किया है। अगर मैंने तेरे साथ धोखा किया तो क्या बुरा किया? मैंने तुझसे तेरा जादू इसलिए सीखा था कि दौलत के लालच और ताकत के घमंड में तूने जिन बेगुनाह इंसानों पर जुल्म किए हैं उन सबका मैं बदला ले सकूं। ये उस्ताद शागिर्द का मुकाबला नहीं था, नेकी और बदी का मुकाबला था। तू शैतान का बंदा है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह का शुक्र है शैतान के मुकाबले में ईमान जीत गया। मैं डाकू कत्ताल हूँ, मुझे गधे से इंसान बनाकर यहाँ से भगा दे। मैं तुझे बहुत दौलत दूंगा शागिर्द, बहुत दौलत दूंगा। देख, ये भी तेरे लिए नसीहत है। हर जगह दौलत और रिश्वत काम नहीं आती। अभी मैं तुम दोनों को गधे से इंसान बनाऊंगा ताकि दरबार की कार्यवाही शुरू हो सके। सुबेदार मोहतरम अताउल्लाह शाह, हमारी ख्वाहिश है कि आज दरबार की कार्रवाई आपकी जुबाने मुबारक से शुरू हो। जजीराए कागाम की सल्तनत के वली अहद शहजादा आफाक और जजीराए दानियाल की सल्तनत के वली अहद शहजादा फिरोज बख्त ने बागी डाकू कत्ताल, कातिल आमिल और शैतानी जादूगर को जो गिरफ्तार कराने का कारनामा अंजाम दिया है वो हमारे लिए बाइस से फक्र है। इस नाकाबिले फरामोश कामयाबी का सेहरा उन बहादुरों के सर बनता है जिन्होंने शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त की मदद की। मौत की सजा पाने वाले डाकू दिलावर और उसके छोटे भाई यावर की सजाएं मुआफ करके बादशाह सलामत ने दिलावर को नाइब सिपाह सलार के ओहदे से सरफराज किया है और उसके छोटे भाई यावर को अरबी मदरसे का खादिम मुकर्रर किया है। हाशिम बिन कासिम को बादशाह सलामत का मुहाफिज़े अव्वल और उसके साथियों को महल खास का निगाहबान मुकर्रर किया जाता है। और शैतानी जादूगर के नेक फितरत शागिर्द को चांद सितारों के इल्म का
शाही नुजूमी का ओहदा बख्शा जाता है। काजी मोहतरम से मैं दरखास्त करता हूं कि गुनहगारों के गुनाहों की सजा सुना दें। बागी कत्ताल बिन शुजा ने सैकड़ों कत्ल किए, लाखों अशरफियां और सोना चांदी लूटा, और शाही काफिले का सामान और कीमती तोहफे भी लूटे, औरतों को बेवा किया, बेगुनाह बच्चों को यतीम बनाया, बूढ़ों को रास्ते की धूल समझकर अपने घोड़ों की टापों से कुचल दिया। ऐसे बागी बेरहम डाकू को मौत की सजा दी जाती है। कल सुबह इसकी गर्दन काट दी जाए और शहर के चौराहे पर लटका दी जाए। और ये तावीज गंडे करने वाला, अल्लाह के बंदों को धोखा देने वाला आमिल, काला सिफली, इल्म करने वाला जादूगर, ये मुल्क और कौम के लिए डाकू और कातिल लुटेरों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस शैतानी जादूगर की पहले खाल खींची जाए, फिर इसकी गर्दन काट कर चौराहे पर लटका दी जाए। ले जाओ इन्हें, काजी मोहतरम के फैसले के मुताबिक कल सुबह सूरज निकलते ही इन दोनों जालिम गुनहगारों की गर्दनें काट कर शहर के चौराहे पर लटका दी जाएं। हुक्म की तामील हो। सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी मुलाकात फिरोजा से कैसे होगी? मुजस्मा तो वापस फिरोजा महल पहुंच गया है। वो समझती होगी कि जब कत्ताल पकड़ा गया है तो मुजस्मा कत्ताल से मैंने हासिल कर लिया होगा, मगर मेरे पास तो सिर्फ हार है। मेरा दिल उदास है, फिरोजा भी उदास होगी। आफाक, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुम मुजस्मा हासिल करने के लिए डाकू कत्ताल की मौत की गार में पहुंच गए, फिर खुदा ने हमारी मदद की, तुम हम सब वहां से कैसे बचकर जिंदा आ गए, वाकई ये खुदा की कुदरत थी। लेकिन हमारी मदद किसने की, ये राज अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो तिलस्मी हार की वजह से शाही सिपाहियों के आने से पहले ही मैं डाकू के यहां से गायब होकर वापस अपने महल में पहुंच गई। ये अच्छा ही हुआ, वरना तिलस्मी हार और तिलस्मी मुजस्मे के जरिए मेरा और तुम्हारा मिलने का राज खुल जाता और यहां सबको मालूम हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और अब तो शाही काफले का लूटा हुआ सब मालो दौलत और तोहफे मिल गए हैं। तुमने आफाक वो तिलस्मी मुजस्मा और हार भी हासिल कर लिया होगा, फिर तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझे बुलाओ आफाक, या मुझे तुम कहीं मिलो। आओ हम दोनों मर जाएं। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। हुजूर, हुजूर, क्या है? हुजूर, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। क्या मेरे नसीब में जो मौत लिखी थी वो आ गई है? खुदा ना करे ऐसी मनहूस बातें जुबान से ना कहिए। खुशी की बात तो ये है कि जजीराए कागान के बादशाह सलामत शहजादा आफाक के अब्बा हुजूर ने शहजादा फिरोज बख्त से आपकी शादी के लिए अनमोल और नायाब तोहफे भेजे थे, जिसे बागी डाकू कत्ताल ने लूट लिया था। वो सारे मिल गए हैं। डाकू कत्ताल और शैतानी जादूगर के सर काटकर चौराहे पर लटका दिए गए हैं। आपके अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि आप शादी के वो अनमोल तोहफे दीवाने खास में जाकर देख लें और अपनी खुश नसीबी पर नाज करें। आफाक, मेरी बदनसीबी को एक खुश नसीबी कह रही है। जब मुझे फिरोज बख्श से शादी ही नहीं करनी है
तो फिर शादी के तोहफे क्यों देखूं? तुम उस हार और तिलस्मी मुजस्मे के जरिए मुझे बुलाते क्यों नहीं? मुझे बुलाओ आफाक, मुझे बुलाओ। किन ख्यालों में खोई हुई है हुजूर? जिन ख्यालों में खोई हुई है उनसे शादी होने में 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन? जी हुजूर। सिर्फ 5 दिन? जी हुजूर। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आती है हर लड़की का यही हाल होता है, जैसे आपका हो रहा है। 5वें दिन शहजादा फिरोज बख्त दूल्हा बनकर आएंगे, आपसे निकाह करके आपको अपने महल में ले जाएंगे। खामोश, हमें तुम्हारी ये हंसी जहर मालूम हो रही है। जाओ अब्बा हुजूर से ये अर्ज कर देना, इस वक्त हमारी तबीयत नासाज है, जैसे ही जरा तबीयत संभलेगी हम तोहफे देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे।